हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आर्डिनो का यूज़ करके ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग का प्रोजेक्ट बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्रीड बोर्ड, तीन एलईडी जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग के सिग्नल में यूज़ होती हैं, एक आर्डिनो ओनो का बोर्ड चाहिए, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए जम्पर वायर। यहाँ पर इन तीनों एलईडी को ब्रीड बोर्ड पर इस तरीके से कनेक्ट करना है कि इनके नेगेटिव टर्मिनल जो है वो कॉमन रहने चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर की लाइन है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए है। यहाँ पर मैंने तीनों एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है जो एलईडी का वो आर्डिनो की अलग अलग पिन से कनेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर अलग अलग टाइम पर इनपुट मिलता है आर्डिनो से। इस आर्डिनो बोर्ड में जो प्रोग्राम अपलोड है उसमें 13 नंबर पिन से रेड कलर की एलईडी को कनेक्ट करना है, और 12 नंबर पिन से येलो कलर की एलईडी को कनेक्ट करना है, और 11 नंबर पिन से ग्रीन कलर की एलईडी को कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों एलईडी को आर्डिनो की 11, 12 और 13 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया है। आर्डिनो की ग्राउंड पिन से यहाँ पर एक जम्पर वायर को कनेक्ट करना है, और ये जम्पर वायर ब्रीड बोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। ये हमारा सर्किट हो गया कंप्लीट, और यहाँ पर हम इसमें 5 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं। आर्डिनो को 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करने पर आप देख सकते हैं कि रेड कलर की एलईडी वो 10 सेकंड तक ऑन रहती है, और ये येलो कलर की एलईडी है वो 5 सेकंड तक ऑन रहेगी, और ग्रीन कलर की एलईडी भी 10 सेकंड तक ऑन रहेगी।